वेलकम माय डियर फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट सो चैप्टर नाइन जो हम लोग का पढ़ रहे हैं सो लीगल है? वो कैसे हम लोग करेंगे इसको so, पहला हो गया लीगल यस लीगल मतलब क्या होता भाई भाई लीगल का सिंपल मीनिंग है लॉ लीगल सो लीगल ड्यूटेलिजेंस क्या होता है इसका मीनिंग क्या होता है इट इज स्कूटनी लीगल स्कूटनी ऑफ ऑल स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द लीगल अफेयर्स ऑफ द टारगेट कंपनी सपोज एक करने जा रहा है दूसरा कंपनी को सो टाटा गोइंग टू एक्वायर द कोरस कंपनी सो व्हाट आर द लीगल ड्यू दे हैव टू डू सो दिस इज कॉल्ड लीगल ड्यू इंटेलिजेंस बिफोर ए टारगेट कंपनी कंपनी डिपेंडिंग ऑन द पर्पज ऑफ द लीगल ड्यू इंटेलिजेंस बिफोर मर्जर एक्विजेशन और मेजर इन्वेस्टमेंट डिसीजन टेकन विद ए वेर इज ए लीगल रिस्क और रिस्क इन्वॉल्व बाई इन दैट पर्टिकुलर कंपनी एक्सपेंसिव और नॉट सो दिसगल ऑल लीगल मैटर सो लीगल मैटर को डील करना होगा लीगल ड्यू डेलीजेंस सो एक कंपनी बी कंपनी को एक्टर करने जा रहा है सो व्हाट आर द डिफरेंट रूल एंड रेगुलेशन टू बी कंप्लाई आर नॉट और क्या क्या वो कंपनी का नॉन कंप्लायस है उसको सब चेक करना दैट इज कॉल्ड लीगल ड्यू ड्यूटेलीजेंस समझ में आया ठीक so, case so, so, uh, <coughs> है सो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द लीगल ड्यू ड्यूटेजेंस में भी वेरी फ्रॉम केस टू केसेस सो समाइम इट इज ऑल्सो डिपेंड ऑन द वेरियस केसेज वर्दर इट इज मर्जर वक्विजिशन और इट इज डिसइनवेस्टमेंट सो ऑल द टाइप ऑफ पर एचपी लीगल ड्यू ड्यूटेलिजेंस में भी वेरी कंपनी इज गोइंग टू इशू है पब्लिक इशू सो उसका लीगल ड्यू इंडेलिजेंस अलग होगा है ना अ कंपनी एक एक एक्वर्क करने जा रहा है तो उसका अलग होगा सो इट डिपेंड अपन द केस टू केस देन लीगल ड्यू इंडेलिजेंस इज द अपार्ट फ्रॉम द मैनेजिंग रिस्क अंडरटेक द मेजर बिजनेस ट्रांजेक्शन ऑल्सो मीन समटाइम लीगल ड्यू ड्यूटेजेंस इज टेकन फॉर फॉर पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन जैसे फॉरेंसिक ऑडिट होता है और ट्रांजेक्शन ऑडिट होता है सो ट्रांजेक्शन ऑडिट फॉरेंसिक ऑडिट दैट इज लीगल ड्यू इंडेलिजेंस फॉर दैट पर्टिक्युलर पर्टिकुलर फॉरेंसिक ऑडिट और ट्रांजेक्शन अलग होगा इट विलीगल डिजन इज द रिस्क इन पर्टिकुलर बिजनेस नेक्स्ट द डॉक्यूमेंट दट द डॉक्यूमेंट दैट इज टू बी चेक डीन द लीगल डिज क्या क्या लीगल डिटल चेक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन स्ट्रेचरी इन्फॉर्मेशन

डिफरेंट रेगुलटरी अथॉरिटीज प्रिपेरेशन और डिस्कशनरी रिपोर्ट रिपोर्ट को समझेंगे पढ़ेंगे आगे ठीक हैिटी इनकम टैक्स बिजनेस लॉर्स कंपनी सेक्रेटरी रोल ठीक है सो ये टोटल लीगल डिटेलिजेंस का पूरा प्रोसेस हम लोग पढ़े उसको हम लोग डिटेल थ्रू में पढ़ेंगे ठीक है सो लेट स्टार्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ लीगल डिटेलिजेंस वॉट इज दीगल डिटेलिजेंस क्या है टारगेट कंपनी एक कंपनी बी कंपनी का करने जा रहा है ठीक है ना सो व्हाट आर डिफरेंट इंफॉर्मेशन टू बी कलेक्टेड क्या क्या इंफॉर्मेशन कलेक्ट गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टारगेट कंपनी सपोज टाटा कंपनी गोइंग टू एक्र विदनी सो दे है टाटा कंपनी

जैसे मैंने बताया टाटा को है, है ना तब लीगल डिटेल करना है, है ना? के केस भी आपने देखे, सुने होंगे है ना बहुत सी कंपनी है उसका रीजन भी हम लोग पहले क्लास में पढ़े हैं और नहीं है तो आप मेरे पहला क्लास को उसको देख लीजिए ताकि आपको समझ में आए वो है इज एक प्लेस ठीक है सेकेंड हो गया शेयर कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चर कंपनी जो है अपना रिस्ट्रक्चर करने जा रहा है

ये सब केस में लीगल ड्यू ड्यूटेलिजेंस चाहिए ठीक है तो सिंपल में क्या है मजर हो गया और सीआर कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर आईसीजी कॉर्पोरेट गवर्नमेंट आईपीओ एफ पी ओ प्राइवेट इक्विटी और ऑफ्यूपेश से, से प्राइवेट प्लेसमेंट सी ए कॉम्प्लेक्स एग्रीमेंट एलबीओ लिवर बायट और जॉइंट वेंचर स्ट्राटेजिक अलायंस है ना so सो ये सब जो है आपका देस आर द डिफरेंट केसेस वेयर लीगल ड्यू ड्यूटेजेंस इज रिक्वायर्ड ठीक है तो हम लोग जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्कोप ऑफ लीगल ड्यूटेलिजेंस ये सब पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में ये देखेंगे लीगल ड्यूटेलिजेंस प्रोसेस क्या है वॉट इज द डिफरेंस प्रोसेस फॉर लीगल ड्यूटेलिजेंस तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड थैंक यू फॉर वॉचिंग